वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की स्टोरी का सफ़र शुरू करते हैं। किसी ने कुछ सच ही कहा है कि भाई, खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर हंसने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप अपनी लाइफ में, मतलब रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। एक बार आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। आज मैं आपको एक गिलहरी की कहानी सुनाती हूँ। एक गिलहरी रहती है जो रोज़ समय पर आती है और अपना काम जरूरत से ज़्यादा करके भी बहुत खुश रहती है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, क्योंकि जंगल के राजा शेर, जो कि उसका मालिक था, उसने उससे एक डील की थी कि मैं आपको 10 बोरी अखरोट दूंगा। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी थोड़ा आराम कर लूँ, पर तभी उसे याद आता था उसका मालिक उसे 10 बोरी अखरोट देगा। तब गिलहरी फिर से काम पर लग जाती थी। गिलहरी जब दूसरी गिलहरी को देखती तब उसे भी लगता था कि मैं भी खेलूं, हंसूं, गाऊं, कूदूं, ये सब उसको याद आता था। पर जब वो अखरोट दिमाग में आता था, 10 बोरी अखरोट दिमाग में आते थे, फिर से वो अपने काम में लग जाती थी। थोड़ी उदास होती थी पर वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया करती थी। और उधर शेर जो उसका मालिक था, वो भी ऐसा नहीं कि उसे अखरोट नहीं देगा, उसका मालिक भी बहुत ईमानदार था। ऐसे ही समय बीतता रहा, गिलहरी पूरी ईमानदारी से अपना काम करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि जब जंगल के राजा शेर ने गिलहरी को 10 बोरी अखरोट देकर हमेशा के लिए उसको आज़ाद कर दिया, तब गिलहरी अखरोट के पास बैठकर सोचने लगी, अब ये अखरोट मेरे किस काम के, पूरी जिंदगी काम करते करते मेरे दांत तो घिस गए, अब मैं इन्हें खाऊंगी तो कैसे। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है कि आज जीवन की हकीकत बन चुकी है, ये स्टोरी हकीकत बन चुकी है। फ्रेंड्स, इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, पूरी ज़िंदगी नौकरी करता है, व्यापार कर और धन कमाने में अपनी पूरे जीवन का समय लगा देता है, और जब वह 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है या उसके बैंक उसको कभी फंड मिलता है नौकरी से घर पे आता है तब, या उसके जो बैंक बैलेंस होता है उसे भोगने की क्षमता ही वो खो देता है। पूरी ज़िंदगी इतना काम करता है, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर करके, और जब एंड में उन इच्छाओं को भोगने का समय आता है तब उसके पास कैपेसिटी होती ही नहीं है। तब तक फ्रेंड्स एक जनरेशन भी बदल गई होती है। परिवार को चलाने वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर परिवार को चलाने के लिए काबिल हो जाते हैं। क्या इन बच्चों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा होगा कि इस फंड का, इस बैंक बैलेंस को पाने के लिए कितनी इच्छाओं को मारा होगा, कितने सपनों का त्याग किया होगा, कितनी तकलीफें सहन की होगी। तो फिर क्या फ़ायदा इस ऐसे फंड का जिसको पाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उसका हम लास्ट में यूज़ भी नहीं कर पाते। तो इस धरती पर कोई ऐसा अमीर पैदा नहीं हुआ है फ्रेंड्स जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भविष्य को सुनहरा करने के लिए वर्तमान को ना भूलें, भविष्य के साथ साथ वर्तमान को भी जिए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ताकि भविष्य में अपनी मेहनत से कमाए हुए फल को खा सकें और उसको भोगने की क्षमता रख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं तो सिर्फ एक इतना ही कहूँगी कि हम अपनी लाइफ में पूरी भागदौड़ में, मतलब लाइफ जीते हैं, उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, अपने आप के खुद के लिए भी हम समय नहीं दे पाते, बस जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। तो एक विनती है मेरी आप सबसे कि प्लीज़ अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। क्या पता कल आने वाला कैसा हो। हम जिसके लिए आज भाग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पीछे हम भाग रहे हैं, हो सकता है जब वो हमें मिले हम उसके यूज़ करने के कैपेबल ही नहीं हो। थैंक यू। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी स्टोरी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।